सभी भाइयों को नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। आज का वीडियो लेके आ रहे हैं भाविका डेयरी फार्म मिंगनी खेड़ा से। वो डेयरी फार्म है जहाँ से लगातार वीडियो आती रहती हैं, बहुत सारा पशुधन बिक के ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होता रहता है, चाहे वो गाय की बात करें, भैंसों की बात करें, कटड़े कटड़ियों की बात करें। आज बाबूजी हमारे साथ हैं, सोनलाल जी, इनसे भी बात करेंगे और जिनको पैसे दे रखे हैं उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले अगर नए जुड़े हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार सुरेंद्र भाई, सभी वीडियो देखने वाले को, दर्शकों को मेरी नमस्कार। आपको भी भाई साहब नमस्कार जो महाराष्ट्र से हैं। नमस्कार। तो बाबूजी कितने पैसे हैं, कहाँ जा रही हैं, क्या पोजीशन है? आज भैंस तो 10-11 इधर, तो बाकी बाहर इधर नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र जाएंगी, 5-17 जाएगी, 5 कोल्हापुर जाएंगी। 5-17, 5 कोल्हापुर। तो सर आप कहाँ से हैं, क्या नाम है जी? सतारा जिला से, जावली तालुका, विजय यादव। विजय यादव सतारा जिला से हैं। ठीक है बाबूजी, अपना क्या नाम है? रामदास पार्टी, सतारा जिला से। सतारा से ही हैं। तो कब आए थे भाई साहब आप, कितने दिन हो गए? अभी 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। कितनी पैसे खरीदी हैं बाबूजी के यहाँ से? यहाँ से 10 खरीदी लिए। 10 पैसे खरीदी हैं। ठीक है, तो कैसा व्यवहार रहा बाबूजी का? बाबूजी का व्यवहार अच्छा है। पहली बार आए हैं या पहले भी लेके गए हैं? पहली बार आए हैं। तो वीडियो देख के आए हैं या वैसे ही किसी से बातचीत करके पूछताछ करके आए हो? नहीं, वो प्रभाकर पाटिल सर है ना। हाँ, उनका लड़का है नीलेश पाटिल। हाँ, उसके साथ आया। ठीक है। और आपके भी वीडियो हम देखते हैं। देखते रहते हैं वीडियो भी। तो कैसा व्यवहार रहा, कोई समस्या रही हो रहने की, खाने पीने की? नहीं, कुछ नहीं, वो अच्छा हो गया इधर से, कोई समस्या नहीं रही। ठीक है। बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका हरियाणा में आने के लिए। अभी वैसे देखना शुरू करते हैं, कैसी ली आपने वैसे? बाबूजी से ही बात करेंगे। बाबूजी बताइए किधर से, इधर से शुरू करें? बताओ जी, ये तो झोटा बेच रहा है, बेचने के लिए? ठीक है जी, कितने उम्र का है और कितने का बेचना है बताइए? सुरेंद्र भाई, हाँ, बहुत ज्यादा है। हाँ, इसका 85,000 रुपये रेट है। 85,000 रुपये में बेचना है। देखिए हाइट लेंथ काफी बढ़िया, बड़े साइज का है और 4 दांत है मुंह से। इसके फादर मदर का पता है जी, माँ बाप कितने दूध वाले रहे? जिससे लिए वो उसका माँ का 18 लीटर 20 लीटर बता रहा था, हम क्या बताएं, हमारे पास प्रूफ है नहीं कोई। बिल्कुल हो सकता है, कितना भी हो सकता है, माँ का 20 भी हो, 18 भी हो, 18 भी हो, 20 भी हो, बढ़िया ही बता के जो है जिस जहाँ से भी खरीदा है अच्छा ही बताया उन्होंने। तो इधर चलाओ जी इसको, मिनी को इस साइड लो। ये बताओ जी कितने की बेची है, कितना दूध है इसमें? ये 1,06,000 की दी है सुरेंद्र भाई। हाँ, 11-12 लीटर खीस है, 3 दिन की भी आई है। 11-12 लीटर खीस, 5-5.5 निकाल देती है। 5 किलो दूध से शुरू हुई है, 5-5.5 से खीस से खाली होके 10-11 किलो दूध है। और मीणी है प्योर सींग हिलने वाली, कितने की दी बताइए? 1,06,000 रुपये की बेची है। देखिए साफ सुथरी भैंस है। इससे आगे एक और भैंस है, बढ़िया साइज की, वजनदार है। ये बताओ बाबू जी कौन से ब्यांत की है, कितना दूध है? दूसरा ब्यांत की है सुरेंद्र भाई। हाँ, इसमें अभी दूध है 12-13 चालू। 12-13 लीटर दूध से चालू है। हाँ, 6 दिन की आज ब्याई है। 6 दिन की ब्याई में 12 लीटर दूध है। कितने की बेची है जी? ये दिया है जी 1,02,000 का। 1,02,000 रुपये की बेची है। देखिए साफ सुथरी भैंस है बिल्कुल। और कीमत जो है बताइए, 1,02,000 रुपये। भाई साहब कितने टाइम दूध निकाल के लिया है भैंसों का आपने? दो टाइम निकाला है सभी का। ठीक है। कितनी पैसे देखी टोटल हरियाणा में आके? हरियाणा में आकर अभी बहुत देखी, पर फिर यहाँ से बहुत अच्छा ये लगे, जोर जो पसंद आया वो लिया है भैंस। एक एक जगह 10-10, 15-15 देखते रहे, 1,000 भैंस देखे, मतलब सेलेक्ट किए 1,000 भैंसों में से 10 भैंसे सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, ये बताओ कौन से ब्यांत की है? दूसरे ब्यांत की सुरेंद्र भाई। हाँ, इसमें दूध है 11-12 लीटर अभी। 11-12 लीटर दूध है, दूसरे ब्यांत की है। कितने की बेची है जी? ये 87,000 की बेची है। माथे में वाइट बाल भी हैं, लेकिन लंबाई ऊंचाई बहुत ही बेहतरीन है जोटी की। गर्दन काफी लंबी है, पतली चमड़ी की दिखाई दे रही है, पैरों के बीच बीच का आर्डर है, ज्यादा बड़ा आर्डर नहीं है। और इससे आगे एक और भैंस, बढ़िया पीठ की क्वालिटी। ये बताओ जी, आ जाओ आगे। ये भाई तीसरे ब्यांत की है सुरेंद्र भाई। हाँ, ये और बेचने वाली है, इधर बेचेंगे। अच्छा, तीसरे ब्यांत की है, यही बेचनी है। कितने की बेचनी है जी? 85,000 रुपये की। और दूध कितना है?
नौ दस किलो दूध है, 85,000 रुपए की बेचनी है। देखिए साफ सुथरी भैंस, पीठ की क्वालिटी काफी अच्छी और दे देगी 12-13 किलो दूध। 12-13 किलो दूध दे देगी, बहुत ही बढ़िया साफ सुथरी भैंस है। इससे आगे एक और बढ़िया जोटी देखिए आती हुई, मेले से लगी हुई, अभी डाल रही है मेला। ये बताओ जी दूसरे ब्यांत की है? ये दूसरे ब्यांत की सुरेंद्र भाई, 18 हाँ। लीटर दूध तैयार है इसमें। ठीक है, कितने की बेची है ये? आज ये ब्याही 12-13-14 दिन की भी हो सकती है। हाँ हाँ, लेकिन 18 लीटर से नाप के लिए इसको। तो ये कितने की दी है? ये दिया 1,17,000 की। 1,17 की दी है, 18 लीटर दूध इसमें है फिलहाल। देखिए बहुत ही बढ़िया, छोटे सिंह की और नीचे से अडर और थन काफी अच्छे हैं जोटी के, बढ़िया तैयारी में है। भाई साहब देखिए पीठ पे हाथ मार रहे हैं, पीछे पीछे इन्होंने खरीदी है, दो टाइम दूध निकाल के लिया। ये देखिए अडर की क्वालिटी काफी अच्छी। और इससे आगे एक और भैंस बढ़िया लंबाई ऊंचाई वाली, ये बताओ जी? इसमें 14 लीटर दूध है तीसरे ब्यांत में सुरेंद्र भाई। 14 लीटर दूध ब्यांत तीसरा, ठीक है। ये कितने की बेची है? 90,000 90,000 की, पूरे 90 की लिए भाई साहब? पूरे 90 के लिए। ठीक है ठीक है, 90,000 की खरीदी है, साफ सुथरी भैंस है बिल्कुल और बढ़िया लंबाई ऊंचाई की। इससे आगे एक और बड़े अडर की भैंस आती हुई, बताओ जी इसके बारे में? ये तीसरा ब्यांत की है सुरेंद्र भाई, तीसरे ब्यांत की है। खाली होती है 9-10 किलो, इसमें खीस है, खीस से खाली हो गए 9-10 किलो। कितने की ली है? 1,03,000 का। 1,03,000 रुपए की। देखिए साइज बहुत बढ़िया इस भैंस का भी, और नीचे से अडर और थन काफी मजबूत लगे हुए हैं, बढ़िया दूध देने वाली दिखाई दे रही है। और इससे आगे फिर एक और भैंस, दो भैंसे और बाकी रहेगी, ये बताओ जी कितने की दी है? सुरेंद्र भाई। हाँ हाँ, और ये दिया है 1,05,000 का। 1,05 की दी है, दूसरा ब्यांत है। दूध कितना है? दूध 15 लीटर है इसमें। 15 लीटर दूध है, ठीक है। नाप नाप के लिए ठीक है। ये वाली? हाँ ये वाली, ये जोटरी है जी, दूसरे दूसरे ब्यांत की है। ठीक है, 15 लीटर दूध नाप के लिए है। ये कितने की दी है? ये 96,000 की, 96 96,000 96,000 की ली है, और 15 लीटर दूध माप के लिए है। जोर लगा के बाबूजी ने बताया कि 15 लीटर दूध माप के लिए। ठीक है ठीक है, तो ये देखिए आज का वीडियो भाभी का डेयरी फार्म से लेके आए। खरीब होता है नीचे से। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए। तो आज का वीडियो मैं बता रहा था भाभी का डेयरी फार्म से लेके आए, कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताना। जो भी भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहे सबका दिल से धन्यवाद। भाभी का डेयरी फार्म से जुड़ना चाहते हैं, इनके कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। सभी भाई जो भी लास्ट तक बने रहे, दोबारा से सबका बहुत बहुत धन्यवाद।